नेक्स्ट हमारे पास एक नया टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमने अपनी फैमिली के बारे में पढ़ा, अब हम डेज ऑफ द वीक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? डेज ऑफ द वीक। हमारे पूरे हफ्ते में, वीक को हम हिंदी में हफ्ता बोलते हैं, हमारे पूरे हफ्ते में कितने दिन होते हैं बताइए, किसी को पता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 7 days होते हैं। तो हमारे पूरे वीक में 7 days होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? देयर आर 7 days इन अ वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सबसे पहले आता है मंडे, मेरे साथ साथ बोलिए, सबसे पहले आता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मंडे देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हमारे 7 दिन हैं। हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और सबसे फेवरेट दिन क्या होता है आपका इन 7 में से? सबसे फेवरेट आई एम श्योर सबका संडे होता होगा, राइट? ग्रेट। Now you have this puzzle, जिसके अंदर आपको days of the week को find करना है। करते हैं, चलिए सबसे पहले करेंगे हम Monday को find, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? Monday, Monday आता है ना? तो हम सबसे पहले Monday को ही ढूंढते हैं। क्या आप ढूंढ सकते हैं? कहीं आपको दिख रहा है Monday? पहले खुद से try करिए। बिल्कुल, ये रहा Monday। हमने इस तरीके से Monday को mark कर दिया, मिल गया ना मंडे, Monday। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ट्यूसडे, ठीक है? ट्यूसडे आता है मंडे के बाद, तो ये रहा ट्यूसडे, ठीक है, मिल गया ट्यूसडे भी। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेडनेसडे, कहाँ है वेडनेसडे? देखिए फर्स्ट लाइन में कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा वेडनेसडे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्सडे, ये रहा थर्सडे, ठीक है। क्या स्पेलिंग होती है? टी एच यू आर एस डी ए वाई, ठीक है। थर्सडे के बाद हम फाइंड आउट करेंगे फ्राइडे, ये रहा फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे भी मिल गया हमें, तो ये हम लिख देंगे यहाँ फ्राइडे। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सैटरडे, राइट? सैटरडे, तो कैसे ढूंढेंगे सैटरडे को? देखिए ये रहा सैटरडे, राइट? अब जो संडे है ना, इसको आप खुद से फाइंड करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, आई एम श्योर सब देख पा रहे होंगे संडे कहाँ पे है, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद से मार्क करें, ठीक है? बिकॉज संडे आप सबका फेवरेट दिन होता है, तो इसलिए आपको संडे की स्पेलिंग को खुद से फाइंड आउट करना है और मार्क करना है, ठीक है? सबको समझ आ गया ये बात? अच्छे से समझ आई? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।